जो जब जब लाइसेंस थमाया गया है तब तक ही विजय रहे, लंबे समय तक ये विधायक रहे हैं 6 बार, और इस छक्का तो विधायकी में मार दिए, लेकिन इस बार दरभंगा सीट जिता करके ये दरभंगा में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। हमको तो डॉक्टर बोला था कि बेड रेस्ट कीजिए तेजस्वी जी, मेरे हड्डी में कमर में चोट है, हम अभी देखे तो बेल्ट बेल्ट लगा करके घूम रहे हैं। यहाँ देखिएगा तेजस्वी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, मोदी जी को बेड रेस्ट की जरूरत है। हमारे साथ मुकेश सहनी भी आए, इनको भाजपा के लोगों ने इतना तंग किया, अभी चुनाव में जो इनका सुरक्षा मिला था वो भी हमारे भाई का सुरक्षा को छीनने का काम किया। इनको जब जब लालटेन थमाया गया है तब तक ही विजय रहे, लंबे समय तक ये विधायक रहे हैं 6 बार, और इस छक्का तो विधायकी में मार दिए, लेकिन इस बार दरभंगा सीट जिता करके ये दरभंगा में परिवर्तन लाने का काम करेंगे, विकास की धारा बहाने का काम करेंगे। इसलिए हमको तो डॉक्टर बोला था कि बेड रेस्ट कीजिए तेजस्वी जी, मेरे हड्डी में कमर में चोट है, हम अभी देखे तो बेल्ट बेल्ट लगा करके घूम रहे हैं। यहाँ देखिएगा बेल्ट लगा के सुइया लेकर के, हम बोले डॉक्टर साहब बेड रेस्ट लेना होगा तो आप बोल रहे 3 हफ्ता के लिए बेड रेस्ट कीजिए, 3 हफ्ता में तो चुनाव खत्म हो जाएगा, तो हम बोले डॉक्टर साहब को कि अभी तेजस्वी बेड रेस्ट नहीं लेगा जब तक मोदी जी को हम हटा नहीं सकते, तेजस्वी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, मोदी जी को बेड रेस्ट की जरूरत है। देखिए असल मुद्दा जो है महंगाई का है, गरीबी का है, बेरोजगारी का है, बताइए महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, बेरोजगार कितने लोग हैं हाथ उठा के बताओ, बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, पढ़ाई पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा है, बताइए एक काम जो है मोदी जी ने नहीं किया, केवल ठगने का काम किया, झूठ बोला मोदी जी ने, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, हमारे साथ मुकेश सहनी भी आए, इनको भाजपा के लोगों ने इतना तंग किया, अभी चुनाव में जो इनका सुरक्षा मिला था वो भी हमारे भाई का सुरक्षा को छीनने का काम किया, इनका विधायकों को खरीदने का काम किया, इसलिए ये भाजपा के लोग तानाशाही करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान को लोकतंत्र को आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, हम लोगों पे केस मुकदमा कर रहे हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, देश के संविधान को बचाने के लिए हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे, आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे किसी भी प्रकार से। ये भाजपा के लोगों ने कोई काम नहीं किया, लेकिन तेजस्वी को जब 17 महीने मिला तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिलाने का काम किया, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया ढील करके आए, यानी 8 लाख नौकरी का व्यवस्था तेजस्वी ने किया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया, हम लोगों ने जो कहा वो किया, जो 17 महीने में हुआ वो 17 साल में भी नहीं हुआ, इसलिए आप जनता सभी लोगों से ये कहना है कि राहुल जी का लालू जी का हाथ आप लोग मजबूत कीजिए, भाई ललित जी को विजय बनाइए, और जब ललित जी देख ही नहीं रहा है, सरकार बनेगा इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, और जब इंडिया जीतेगा तो 15 अगस्त से पूरे देश भर में सरकारी नौकरी पूरे देश में हमें दिलाने का काम करना, गरीब बहनों को साल में 1 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे, यानी हर महीने 8,333 रुपया गरीब बहनों को हम लोग देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग कर देंगे, और 200 यूनिट
आशीर्वाद के रूपया स्पेशल पैकेज भी हम लोग दिलाएंगे, साथ ही साथ अंतिवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। चार साल से आपको रिटायर कर देगा, इसलिए अंतिवीर योजना में न शहीद का दर्जा है, न पेंशन है, न कैंटीन की सुविधा है। तो पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग कराने का काम करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं है, देखिए हम लोग जाते खड़ा होने के लिए भी मना किया है, लेकिन एक लगा करके हम लोग घूम रहे हैं। इसलिए आप सब लोग लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करें, तो विजय का माला पहरा दे। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक एक आदमी दस दस वोट बनाने का काम करेगा। और भाजपा के लोग केवल हिंदू मुसलमान में दंगा कराना चाहते हैं, लेकिन असल मुद्दा बेरोजगारी का है, गरीबी का है, किसान का है, किसान का है दुगुना होना चाहिए। पहले चंद शब्दों के साथ अपनी बात को एक जवाब देते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद। दरभंगा की जनता सुनता पा, दरभंगा की जनता सुनता पा, महबूब भाई जी आए हैं, चलिए मानो के जुझारू नेता प्रबंधन के। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।